हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं बताया था कि इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ड्यू टू फीडबैक एम्पलीफायर वोल्टेज सीरीज के लिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इसी तरह से आज की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में कैसे हम लोग इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। सपोज ये दोनों आप टॉपिक यदि समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए अनदर जो बचेंगे वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। प्रोसेस सेम होगा और सेम ही वे से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वो जो होगा आप लोगों को हम होमवर्क ले देंगे। तो आज के क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के कारण बनेंगे। तो फर्स्ट वोल्टेज शंट फीडबैक, सबसे पहले आप गौर से देखिए वोल्टेज शंट फीडबैक का बेसिक जो एम्पलीफायर है वो क्या है, आपका है ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहां से आपको क्या करना होगा कि ट्रांस रेसिस्टेंस बनाना होगा। दिस इज योर आपका क्या होगा कि ये आपका हो गया आर नॉट आर आई। ट्रांस रेसिस्टेंस में क्या होगा कि देखिए रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो अर्थात इसमें जो करंट जो जाएंगे वो आपका क्या होगा आई एन। यहां से जो देख रहे हैं वो आपका क्या होगा कि आर नॉट इंटू क्या होगा वी आई, मतलब यहां पर आपका जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा प्लस माइनस आर, इसको हम लोग एम मान रहे हैं। तो आर एन को आप सुनिए ना, इसको ए मान लीजिए, सबसे बढ़िया ए रहेगा, ए ए इज गेन। तो ए इंटू क्या होगा आपका आई आई होगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका हो गया सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट और आउटपुट में जस्ट मैं पिछले क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया था और बताया था कि सैंपलिंग कैसे करेंगे। तो यहां आज हम लोग क्या करेंगे कि इसका सैंपलिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट में जो होगा, इनपुट में सैंपलिंग करने की जरूरत पड़ता है नहीं, यहां हम लोग कंपैरेटर या मीटर का यूज करते हैं। तो यहां जो यूज करेंगे वो क्या होगा करंट का करेंगे, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। यहां से आपका क्या होगा कि आईएस अप्लाई करेंगे, दिस इज योर आईएस। यहां से आप लोग क्या करेंगे आईएस अप्लाई कर दिए। अब यहां जो देख रहे हैं दिस इज योर फीडबैक, ये आपका थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन निकालने का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो देख रहे हैं यहां से आपका क्या हो गया बीटा। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ए बराबर क्या होगा वी नोट बटा क्या आई नोट। तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या, तो आई एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा वी आउटपुट। तो यहां से बीटा इक्वल टू हो जाएगा आई एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा वी नोट, अर्थात जो आउटपुट में सैंपलिंग जो होगा, सैंपलिंग जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली कैसा करेंगे, तो ये आपका हो गया आउटपुट रेसिस्टेंस, दिस इज योर लोड रेसिस्टेंस। यहां से हम लोग देखिए हमें आउटपुट में वोल्टेज चाहिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां जो आप अप्लाई कर रहे हो दिस इज योर क्या होगा वी आउटपुट। यहां से हम लोग इसको सैंपलिंग करके ऐसे कनेक्ट कर दिए और यहां से ये कर दिए, अर्थात जो इसके बीच का वोल्टेज था यहां से यहां तक जो वोल्टेज था दिस इज योर वी नॉट, तो ये जो वोल्टेज था वही वोल्टेज यहां पर सप्लाई हो गया। अब चूंकि इसमें जो करंट हो रहे हैं ये आपका ऐसे करके ऐसे जाएंगे और यहां से ये आपका क्या होगा, तो दिस इज योर आई आर, यहां से आपका आई एस जा रहा है, इसमें जो होगा दिस इज योर आई एफ, ये आपका क्या होगा आई एफ। यहां से इसके बीच में ही तो हमें क्या करना है, यहां से आपका आर आई दिया हुआ है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि यहां हम लोग आर आई एफ का वैल्यू कैसे निकालें, मतलब फीडबैक के कारण हमको इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पहला एम है। और दूसरा यहां पर एम ये है कि आउटपुट में जो आर ओ एफ होता है इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मतलब दूसरा एम ये है। तो ये तो आप लोग आराम से निकाल लेते हैं, फर्स्ट हम लोग आर आई एफ निकालेंगे। यहां से देखिए आई एफ इक्वल टू बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, आई एफ इक्वल टू क्या होगा बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा वी नॉट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसी तरह से वी आउटपुट जो होगा, वी आउटपुट, वो वी आउटपुट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए यहां से देखने वाली चीज है, ए इंटू क्या होगा आई आई, इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है कि यहां निकालना, तो आई एस इक्वल टू क्या होगा, आई एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एस इक्वल टू क्या होगा बताइए, आई एफ प्लस क्या होगा आई एट, आई एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है तो लिख सकते हैं क्या, बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट प्लस, प्लस क्या लिखा है ना आई आई, ठीक है। इसी प्रकार से कहां से लाए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा वी नॉट और प्लस क्या होगा आई आई, ये इक्वेशन हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं ए इंटू क्या होगा, ए इंटू बीटा और इंटू क्या होगा आई आई प्लस क्या होगा आई आई इक्वल टू क्या होगा आई एस, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग आई आई कॉमन कर सकते हैं, तो जब हम लोग आई आई कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, आई आई कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस ए इंटू क्या होगा बीटा इक्वल टू क्या होगा आई एस, ठीक है ना। अब देखिए आर आई एफ, आर आई एफ बराबर क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर आप फॉर मान लीजिए, यहां से आर आई एफ इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं क्या, इसके बीच का वोल्टेज, इसके बीच का वोल्टेज मान लेते हैं कि इसके बीच का वोल्टेज वी सोर्स है, इसके बीच का वोल्टेज वी सोर्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा आई सोर्स, ठीक है ना। तो यहां से, यहां से देखिए, यहां ये जो वी सोर्स है, ये सोर्स वोल्टेज कह रहे हैं, वो आपको इसके बीच का जो वोल्टेज है वी आई वही के बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये जो वी सोर्स है इसको कह सकते हैं कि वी आई और डिवाइड बाई क्या होगा आई एस होगा। वी आई की जगह पर हम वैसे ही छोड़ देते हैं, यहां देखिए वी आई वैसे ही छोड़ दिया, आई एस की जगह पर पुट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा आई आई इंटू वन प्लस क्या होगा ए बीटा। अब देखिए वी बाई आई को हम लोग क्या कहते हैं, ये वी आई है और यहाँ आई आई है, तो इसको हम लोग आर आई कह सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर आई और डिवाइड बाई क्या होगा वन प्लस ए इंटू बीटा। तो यहां से आपका आर आई एफ जो हो गया वो इजी वे से आ गया, इनपुट रेसिस्टेंस ड्यू टू वोल्टेज एंड फीडबैक आर आई एफ इक्वल टू क्या होगा आर आई बाई वन प्लस ए इंटू बीटा। तो देख रहे कितने इजी है, इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो गया कि इसमें आपको देखिए जितना भी मैं कर रहा हूं, तो फ्रॉम सर्किट डायग्राम ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है, इस बेसिक एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम आपको कोई याद है आप लोगों को, हाँ बोलिए, हाँ क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर। तो बेसिक एम्पलीफायर जो हो गया इसका ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर हो गया। यहां हम लोगों ने क्या किया कि आई एफ बराबर हम देख लिया, इस एक्सप्रेशन से निकाल दिया, यहां से इस फॉर्मूला से आई एफ बराबर बीटा इंटू वी नॉट होता है, यहां निकाल लिया ये आउटपुट बराबर क्या होगा ए इंटू वी आई, बिकॉज बेसिक एम्पलीफायर जो होता है, बेसिक एम्पलीफायर होता है सुना दोस्तों धीरे से, वी आउटपुट बराबर क्या होगा ए इंटू आई एफ होता है। अब इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, तो इस नोड पर टोटल करंट आई एस बराबर आई एफ प्लस का है आई आई अकॉर्डिंग टू क्या हो गया के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ से। अब आई एफ की जगह पर हमने पुट कर लिया और वी नॉट के जगह पर पुट कर दिया, एक्सप्रेशन से आ गया। अब हम लोग जानते हैं आर आई, क्योंकि इस जगह हमें फाइंड करने हैं, तो आर आई बराबर वी एस बटा आई एस, यहां से वी आई बाई आई एस, क्योंकि वी एस जो होगा सोर्स वोल्टेज जो होगा यहाँ का वोल्टेज, वोल्टेज वो जस्ट पैरेलल है, तो इसी के बीच के वोल्टेज के बराबर होगा वी आई के, तो वी आई हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वी आई बाई आई आई, आई एस का वैल्यू हम लोग जैसे ही पुट किए तो वैल्यू ये आया, कहां से लाए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड से लाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं जब ये फाइंड कर लिया, स्टेप फर्स्ट में आप आर आई एफ का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसी तरह से हमें आर आर आउटपुट फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जितने भी करंट सोर्स हैं, कैसा सोर्स,
तो जो सोर्स वाला रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे कैसे करके, तो बाय ओपन सर्किट। तो फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट सोर्स करेंट जो होगा आपका क्या होगा, ओपन सर्किट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड टारगेट है आर ओ एफ बराबर फाइंड करना, ठीक है ना। सेकंड एम क्या है आपको, आउटपुट इम्पीडेंस डी टू फील्ड में फाइंड करने हैं, जिसको आर ओ एफ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। दिस इज योर ओपन, ओपन सर्किट हो गया। और जिसके अलोंग निकालना है इसको हटा देंगे। हमारा यहां पर काम क्या है, तो आर ओ एफ इसके बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इनपुट सर्किट में जब हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, आई एफ इस जंक्शन की बात करते हैं तो इस जगह पर क्या होगा, प्लस आई आई और बराबर क्या होगा, जीरो। कहां से, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स केसीएल से। इस नोड पर जो देख रहे हैं इधर से तो जीरो जा रहा है, तो जीरो इक्वल टू दोनों का क्या होगा, सम। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, आई आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई एफ। अब आई एफ की जगह पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, तो आई एफ की जगह पर क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस बीटा इंटू वी नोट वाई, बिकॉज आई एफ इक्वल टू क्या है, बीटा इंटू क्या है, वी नोट है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आई आई। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि वी आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, तो एट बाई KVL, KVL इन आउटपुट लूप। जैसे ही आउटपुट मोड लगाएंगे तो क्या होगा, V आउटपुट, यहां से आप करंट दे दीजिए अपने मन से I आउटपुट, और यहां से एक रेसिस्टर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग R नोट। तो यहां से क्या होगा कि करंट I नोट दे दिए हैं, तो V आउटपुट बराबर क्या होगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस, तो R नोट इनटू I नोट, प्लस यहां से क्या होगा, A इनटू आई आई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देख रहे हैं आई आई का वेल्यू क्या है, यहां से आप देखिए, हाँ क्या है वेल्यू, तो आर नॉट इंटू आई आर, आई आउटपुट प्लस इसके जगह पर लिखेंगे तो ए इंटू इसके जगह पर क्या है, बीटा इंटू बी आउटपुट बराबर क्या होगा आपका, बी आउटपुट। अब देखिए ये वाला फैक्टर को हम लोग एक तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, यहां से कह सकते हैं क्या, तो बी नॉट, वी नोट पहले से था इसको लाएंगे, तो प्लस ए इंटू बी का इंटू वी आउटपुट बराबर क्या होगा, आर नोट इंटू आई आउटपुट। वी नोट कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस ए इंटू बी का इक्वल टू क्या होगा, आर नोट इंटू आई आउटपुट। इसको हम बाएं तरफ लाएंगे, इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो वी आउटपुट बाय आई आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, आर नोट अपॉन वन प्लस ए इंटू बी का। इसी को तो हम लोग देख रहे हैं ना, वी आउटपुट बाय इनपुट को क्या बोल रहे हैं, आर ओ एफ। तो यहां से आर ओ एफ का वैल्यू क्या होगा, वी आउटपुट बटा आई आउटपुट। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं देयर फोर आर ओ एफ इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट बाय वन प्लस ए बीटा, ठीक है ना। तो दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस ड्यू टू फीडबैक ना, इन ए वोल्टेज सन फीडबैक एम्पलीफायर। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बताया कि इनपुट इम्पीडेंस आप वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर कारण कैसे निकालेंगे, तथा आउटपुट इम्पीडेंस वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट फीडबैक के कारण कैसे निकालेंगे। ये दोनों जब आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट जो दो टॉपिक हुआ वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मैं आप लोगों को आज गूगल क्लासेस रूम में आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उसको अपने से स्वयं प्रूफ कर करके हमें भेजेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जाऊंगा जिसका नाम है ऑसिलेटर, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऑसिलेटर सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।